दोस्तों, आज मैं कुछ वशीकरण टोटके आप लोगों से शेयर करूंगी, जिनको करके आप जीवन में जो आपको परेशान करते हैं उनको अपने वश में करके इन टोटकों को अपना सकते हैं। बिना मंत्र के ये वशीकरण टोटके हैं। वशीकरण टोटके वे होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरह के मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप बहुत से वशीकरण टोटके जानते होंगे जिनके अंदर पति को वश में करने के लिए महिला अपने नाखून की राख पति को खिला देती हैं। इस प्रकार के सभी टोटके होते हैं। इसके अंदर इंसान के शरीर से जुड़ी ऊर्जा और मन की ऊर्जा का प्रयोग वशीकरण के अंदर किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। दोस्तों, मैं वीना गौतम, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर जितने भी पार्ट हैं उसके अंदर आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है, और यदि आप मन की ऊर्जा को इसके अंदर लगाते हैं तो सामने वाला प्रभावित बहुत ही आसानी से हो जाता है। वैसे देखा जाए तो वशीकरण टोटके उतने अधिक प्रभावशाली नहीं होते जितने कि मंत्र से वशीकरण तरीकों को प्रयोग में किया जा सकता है। वशीकरण टोटके के अंदर मन की ऊर्जा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो आप अपने मन को पूरी तरह से उस इंसान की ओर एकाग्र कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आपकी मानसिक तरंगे उस इंसान को प्रभावित भी करती हैं। कुछ लोगों का यह लगता है कि वशीकरण टोटका बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। तो आइए, इस टोटकों को मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस टोटके को आपने शनिवार को करना है। आपको शनिवार को यह टोटका करना है। इसको करना क्या है कि आप किसी भी पेड़ बड़ के पेड़ के नीचे शुक्रवार को सुबह जाएं और उसके सामने अपनी प्रार्थना रखकर आ जाएं। आप अगले दिन सुबह उसी पेड़ के नीचे जाएं और बड़ की जड़ को लेकर आ जाएं। अब इस जड़ को किसी भी साफ पानी के अंदर पीस लें और रोजाना तिलक लगाकर उसके सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। महिलाएं इस वशीकरण का प्रयोग पति पर कर सकती हैं और लड़के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिवार की रात को 12 बजे इस प्रयोग को करना है। इसके पहले सुबह किसी भी जगह से गूलर का एक फूल ले आएं। अब उसकी एक बत्ती बनाएं और उसको रात 12 बजे मक्खन के मदद से जलाएं। उसका काजल बनाकर अपनी आँखों के ऊपर रोजाना लगाना। उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी को मोहित करना चाहते हैं तो यह बहुत ही ताकतवर उपाय है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास किसी भी दिन जाना है और उनको प्रणाम करना है और प्रार्थना भी करनी है। उसके बाद अगले दिन आकर उसका एक पत्ता तोड़कर लेना है। अब इस पत्ते को धूप के अंदर सुखा लें। अब इसमें अश्वगंध और भांग के थोड़े से बीज मिला देना और कापिला गाय के दूध के अंदर इन सबको पीस लेना। अब इसका तिलक लगाकर करना है। तिलक करके आप जिसके भी सामने जाएंगे वह आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी और प्राचीन उपाय हैं ये, प्राचीन टोटके हैं। इनको आप करेंगे तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात और याद रखना, आपको इस टोटके के अंदर केवल कपिला गाय का ही दूध मिलाना है। कपिला गाय की एक विशेष नस्ल होती है और इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास इस गाय का दूध नहीं मिलता है तो आपको प्रयोग सफल नहीं होगा और आप कोई दूसरा वशीकरण उपाय कर सकते हैं। एक अन्य उपाय इस प्रकार है, देसी कपूर को कंदली के रस के अंदर पीसकर रोजाना तिलक लगाकर उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। एक प्रकार के पीले रंग का पदार्थ होता है मैसिल, जो आपको अमेजन पर मिल जाएगा। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कंदली का एक प्रकार का पेड़ होता है। आप उसके पत्तों का रस निकालकर इस टोटके को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके एरिया के अंदर यह पेड़ होना चाहिए। दोस्तों, अनार से भी आप वशीकरण कर सकते हैं। अगर अनार के फल, फूल, पत्तियां, छाल और जड़ कहीं से ले आएं, यदि आपके यहाँ पर अनार का पेड़ है तो आप इस वशीकरण टोटके को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको आसपास नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी बंजारी की दुकान पर या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा, या अमेज़ोन पर यह सामान आपको मिल जाएगा।
उसके बाद इनको गुंजा के रस के अंदर पीस लेना है। गुंजा एक प्रकार की लता होती है। गुंजा ज्वर वात पित्त मुख शोष श्वास तुष्य आँखों के रोग खुजली पेट के कीड़े कुष्ठ रोग को नष्ट करने वाली तथा बालों के लिए लाभकारी होती है। गुंजा एक लाल प्रकार का एक मोती सा दिखने वाला होता है, लेकिन बहुत ही ये पूजा पाठ में यूज होता है। दोस्तों अपराजिता एक प्रकार की लता होती है और इसके दो प्रकार के फूल लगते हैं। इसमें सफ़ेद और नीले फूल होते हैं। आपको किसी भी सफ़ेद अपराजिता के फूलों वाली बेल की जड़ को लेना है और उसके बाद इस जड़ को सबसे पहले आपने इसको धोना है, धोकर पवित्र कर लेना है। उसके बाद शुद्ध गुड़ के अंदर मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाकर उस महिला या पुरुष के सामने जाना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों अगला उपाय इस प्रकार है, बहुत ही आसान उपाय है। दोस्तों यह वशीकरण का बहुत ही अचूक टोटका है, इसको महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सुबह नहा धोकर अपने इष्ट के मंदिर में जाएं और ताज़ा लाल गुलाब और इत्र उनको अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलें, जल्दी फलदायी होगी। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।